दानापुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दानापुर पुलिस ने नीव गोसाई टोला में छापामारी करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दानापुर ASP अभिनय धीमन ने बताया कि नीव गोसाई टोला के रहने वाला अमित कुमार अपने घर में अपराधियों को संरक्षण देता रहता था। अपराधी आसपास के क्षेत्रों में चोरी, डकैती, लूट, मोटरसाइकिल छिनतोड़ी, मोटरसाइकिल की चोरी को घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इसको इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त हुई तो दानापुर थाना अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंह ने एक टीम को गठित करते हुए न्यू गोसाई टोला स्थित अमित कुमार के घर में छापेमारी की। छापामारी के वक्त भी अमित अपने अपराधी साथियों के साथ अपराध की योजना बना रहे थे। छापामारी के दौरान अपराधियों के पास से पिस्टल, मैगजीन 7.65 mm का 2 जिंदा गोली, मोटरसाइकिल की लॉक खोलने के लिए 5 मास्टर की, स्मैक तोलने वाला माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तराजू, गांजा पीने वाला चिल्लम तथा संदिग्ध मोबाइल भी बरामद की गई है। ये 28 तारीख की आज सुबह की एक घटना है। 2 बजे एक सूचना मिली थी कि एक न्यू गोसाई टोला में एक व्यक्ति रहते हैं अमित कुमार करके, वो अपने यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वो वहाँ पे उनको शराब, गांजा, स्मैक का सेवन भी करवाते हैं। उसी क्रम में एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना अध्यक्ष कमेश्वर प्रसाद वो टीम को लीड किए। जब छापेमारी की गई तो उनके अमित कुमार के घर से एक पिस्टल बरामद की गई, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, स्मैक को तोड़ने वाला एक तराजू बरामद किया गया, एक गांजा पीने वाला चिलम बरामद किया गया। उसके अलावा 2 मोबाइल फ़ोन व करीब 5 दो पहिया वाहन वो बरामद किए गए। उसके अलावा 4 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी है कुल। उसमें सबसे प्रमुख जो है वो अमित कुमार है, जिनके ऊपर पहले से भी सूचना थी कि वो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इसके अलावा आकाश बंसल, जो पहले भी एक बार जेल जा चुके हैं शराब पीने के मामले में। इसके अलावा मंटुन कुमार और उनके साथ एक निकू राय, जो जिनके ऊपर पहले से आपराधिक इतिहास है। इन 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और ये सारा चीज़ें जो है वो बरामद किए गए हैं।